नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश कुमार आप सबों का इंग्लिश विद रुपेश सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग रूट वर्ड पे नेक्स्ट लेसन को देखने वाले हैं, जो कि डे 51 का है। इससे पहले 50 वीडियोज का प्लेलिस्ट के रूप में सभी वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उस प्लेलिस्ट को विजिट करके आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। आज जिस रूट वर्ड को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वह है हैव या फैम, जिसका मतलब होता है स्पीक। और अगर आपको रूट वर्ड का सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच पाए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साइट के बेल आइकन को भी ऑल पे क्लिक कर दीजिए, सो दैट कि जैसे ही न्यू वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आज जिस रूट वर्ड को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यह है फैब या फैम, जिसका मतलब स्पीक होता है। और ये रूट वर्ड का नंबर 56 है, दैट मीन्स कि इससे पहले हम लोग 55 रूट वर्ड्स डिस्कस कर चुके हैं। सिंस ये वीडियो नंबर 51 ही है तो वीडियो का संख्या ये कम इसलिए है कि कुछ वीडियो में हम लोग एक से अधिक रूट वर्ड को डिस्कस किए हुए हैं। तो जिस बुक से अभी हम लोग रूट वर्ड पढ़ रहे हैं उसमें 168 रूट वर्ड दिया हुआ है, जिसमें कि अभी हम लोग 56 नंबर का रूट वर्ड को पढ़ रहे हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ से अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है एफेबल, एफ ये जो ए एफ है इसका मतलब रूट वर्ड में टू है, और फैब मतलब स्पीक, इसका मतलब होता है प्लीजेंट फ्रेंडली एंड इजी टू टॉक टू, यानी कि जिससे बात करने में आसानी हो। और बात करने में जो आसानी है वो क्या होता है, फ्रेंडली होता है, प्लीजेंट होता है यानी मिलनसार मधुर भाषी, यानी जो इजली घुल मिल जाए उसके लिए वर्ड है एफेबल। इसका सेनेनिम्स हो जाएगा जेनियल, एमिएबल और सोशिएबल। इसका एंटोनिम हो जाएगा, अब देखिए चूंकि सेनेनिम्स अगर आपको ध्यान है, जैसे एफेबल कौन है, जो फ्रेंडली जिसका नेचर है, तो आप यहाँ पे फ्रेंडली भी कर सकते हैं। तो यहाँ से जो फ्रेंडली है तो वो सोशिएबल है, एमिएबल है, जेनियल है, तो इसका एंटोनिम आप इजिली कर सकते हैं अपोजिट अनसोशिएबल, अनफ्रेंडली। तो इस तरीके से आप एंटोनिम भी इजिली ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कन्फैब। तो हम लोग पहले भी सी ओ एन रूट वर्ड को देख चुके हैं, जिसका मतलब टुगेदर होता है और फैब मतलब टू स्पीक। जब एक साथ सभी लोग बोलते हैं तो उसको हम लोग कन्फैब बोलते हैं। अब जब सभी लोग एक साथ बोल रहा है या बोल रहे हैं तो वहां से डायरेक्ट समझ में आता है कि अगर बहुत सारे लोग एक साथ बोलने लग गए तो वो एक तरीके से इनफॉर्मल डिस्कशन हो गया। तो कन्फैब मतलब होता है एन इनफॉर्मल डिस्कशन। फॉर्मल डिस्कशन एकदम प्रॉपर मैनर में होता है, इनफॉर्मल क्या हो गया कि बहुत से लोग कोई कभी बोल रहा है कोई कभी बोल रहा है, ऐसा डिस्कशन जिसमें कि सभी लोग बोलते हैं एक साथ, तो कन्फैब मतलब हो गया एन इनफॉर्मल डिस्कशन, या आप सिंपली बोल सकते हैं बात करना। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा कन्वर्सेशन। आप इस स्पेलिंग को यहाँ पे ध्यान रखिएगा कन्वर्सेशन का, ये आपको स्पेलिंग एरर में कई बार देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट इसका एंटोनिम, अब चूंकि सभी लोग बात कर रहे हैं बोल रहे हैं तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, चुप रहना, दैट मीन्स साइलेंस, एस आई एल ई एन सी ई। नेक्स्ट वर्ड है डी फेम। तो डी मतलब रिमूव, फेम मतलब स्पीक, इसका मतलब होता है टू डैमेज द रेपुटेशन ऑफ ए पर्सन बाय सेइंग बैड थिंग्स, यानी कि गलत चीजें बोलकर स्पीक करके किसी के जो रेपुटेशन है उसको डैमेज करना क्या कहलाता है, डी फेम। और ये वर्ड आप कई बार बोलचाल में सुने होंगे, डी फेम करना यानी कि किसी की बुराई करना, उसका निंदा करना, उसको बदनाम करना क्या कहलाता है, डिफेम करना, यानी टू डैमेज द रेपुटेशन ऑफ ए पर्सन।
अब इसका सिनेनिम्स हो जाएगा, सिनेनिम्स ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये तीनों वर्ड्स कई बार आपको प्रीवियस ईयर में यानी PYQ में देखने के लिए मिल जाएगा जब भी आप मॉक लगाएंगे। तो डिफेम का सिनेनिम्स हो जाएगा सिलेंडर, ये स्पेलिंग आप ध्यान रखिएगा सिलेंडर का भी, बिस्मिर्च और सुली, तो सिलेंडर बिस्मिर्च और सुली ये डिफेम का सिनेनिम्स हो गया। इसको आप निमोनिक्स से ध्यान रख लीजिए, बिस्मिर्च यानी अगर जिसको बिस्मिर्च को आप बीस मिर्च से ध्यान रख लीजिए। मिर्च क्या होता है, तीखा होता है, लाल होता है। अब बिस्मिर्च है यानी कि अगर किसी को किसी का बदनामी कर दिया जाए तो उसको क्या लग जाएगा, मिर्ची लग जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रख सकते हैं, बिस्मिर्च मतलब बदनाम करना। अब इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, किसी को प्रशंसा करना, उसका प्रेज करना, तो ये इसका एंटोनिम हो जाएगा डिफेम का। तो ये हो गया कमेंड, मतलब होता है प्रशंसा करना, कॉम्प्लीमेंट, प्रेज, ये सब इसका एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है फेबल, यहाँ पे फेबल का जो यहाँ पे रूट वर्ड में फेब आया हुआ है, इसका मतलब है टू स्पीक, और ये स्पीक जैसे ट्रेडिशन से कहने का, चलिए पहले इसको समझ लेते हैं, ट्रेडिशनल शॉर्ट स्टोरी यानी कि जो परंपरागत रूप से बोलचाल में चलते हुए आया हुआ कहानी है उसके लिए वर्ड आता है फेबल, यानी कि छोटी मोटी कहानी जो दादी नानी सुनाया करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेबल, यानी कि ट्रेडिशनल शॉर्ट स्टोरी, एक छोटी कहानी जिसमें कि कुछ आपको नैतिक शिक्षा भी मिल जाता है, तो वो सब जो ट्रेडिशनल शॉर्ट स्टोरी है उसको हम लोग फेबल बोलते हैं। तो सिनोनिम्स हो जाएगा टेल और पैराबल। नेक्स्ट वर्ड है फेबल्ड, इसमें भी रूट वर्ड फेब है, फेब मतलब टू स्पीक, तो फेबल्ड मतलब क्या हो गया, फेमस एंड ऑफन टॉक्ड अबाउट, ऐसे चीज जो कि प्रसिद्ध है और उसके बारे में प्रायः बात किया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फेबल्ड यानी प्रसिद्ध। और इसका सिनोनिम्स फिर हो जाएगा लेजेंडरी, फेम्ड, यहाँ पे भी फेम्ड में जो रूट वर्ड फेम है, तो यहाँ से अगर मान लीजिए अगर इसका सिनोनिम्स आपको पूछा जाता फेबल्ड का और कोई कोई वर्ड रहता अलग अलग रूट वर्ड से, भले आप इस वर्ड को नहीं जानते लेकिन अगर आपका रूट वर्ड क्लियर होता फेब और फेम, ये दोनों का मतलब टू स्पीक होता है, तो यहाँ से आप इसको सिनोनिम्स में इजिली टिक कर सकते थे। नेक्स्ट वर्ड है फेबुलस, फेबुलस मतलब होता है एक्सट्रीमली गुड, और कोई भी चीज अगर बहुत ज्यादा अच्छा है, एक्सट्रीमली गुड है, तो उसके बारे में बातचीत किया जाता है, तो वहां से आप रिलेट कर लीजिए, समथिंग विच इज एक्सट्रीमली गुड, तो उसके लिए क्या बोला ही जाता है, तो ये फैब जो रूट वर्ड है यहाँ पे टू स्पीक से, तो फेबुलस हो गया एक्सट्रीमली गुड यानी शानदार। तो इसका सिनोनिम्स हो गया अमेजिंग, एस्टाउंडिंग, वंडरफुल। तो आप ये वर्ड को ध्यान रखिए, ये आपको अगेन प्रीवियस ईयर में एस्टाउंडिंग मिल जाएगा कई बार, और इसका एंटोनिम हो जाएगा ऑर्डिनरी, कॉमन। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है फेम, अगेन यहाँ पे फेम मतलब है टू स्पीक, और फेम मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग नोन एंड टॉक्ड अबाउट बाय मैनी पीपल, यानी किसी चीज का सभी के द्वारा जाना जाना या उसके बारे में बहुत लोगों के द्वारा बात किया जाना, क्या कहलाता है, फेम। आप सिंपली हिंदी में इसको समझिए प्रसिद्धि, कोई भी चीज प्रसिद्ध है तो उसके बारे में अक्सर लोगों के द्वारा जाना जाता है, यानी कि कोई भी चीज बहुत ज्यादा फेमस है तो उसको बहुत सारे लोग जानते हैं और उसके बारे में बात भी करते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम लोग फेम यानी प्रसिद्धि किसी भी चीज का। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ग्लोरी, ऑनर, ये हो गया फेम का सिनोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड है फेमस, ये वर्ड से सभी लोग परिचित हैं पहले से, बस आप ये ध्यान रख लीजिए कि इसमें रूट वर्ड फेम आया हुआ है जिसका मतलब टू स्पीक है। तो फेमस क्या चीज है, जो प्रसिद्ध है, यानी नोइंग अबाउट बाय मैनी पीपल्स, या और सिंपली बोल सकते हैं नोन बाय मैनी पीपल्स, जो चीज बहुत से लोगों के द्वारा जाना जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैनी पीपल, वो चीज प्रसिद्ध होता है इसीलिए अधिक से अधिक लोगों के द्वारा जाना जाता है।
और इसका सिनोनिम्स ध्यान रखिएगा, ये वर्ड भी काफी इंपॉर्टेंट है पी वाई क्यू में, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कई बार आया हुआ है। एमिनेंट, इसका स्पेलिंग भी ध्यान रखिएगा, एमिनेंट यानी प्रसिद्ध, ई एम आई एन ई एन टी, एमिनेंट। और इसका एंटोनिम हो जाएगा इनफेमस, इन मतलब यहाँ पे रूट वर्ड में नॉट हो जाएगा, और फेमस यानी जो चीज फेमस नहीं है तो वो इनफेमस है। नेक्स्ट वर्ड है इनएफेबल, ये वर्ड को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो रूट वर्ड से अगर सिंपली आप देखें, जैसे इन मतलब नॉट, फेब मतलब स्पीक, यानी जिसके बारे में नहीं बोला जाता है, सिंपली ये समझ सकते हैं, लेकिन इसका डायरेक्ट वो मीनिंग नहीं निकलता है कि जिसके बारे में नहीं बोला जाता है। आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं। चलिए पहले हम लोग इसको इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इनएफेबल मतलब है, इन मतलब तो यहाँ पे रूट वर्ड में नॉट है ही, हैव मतलब स्पीक, लेकिन ये इस तरीके से रिलेट होता है, टू ग्रेट और ब्यूटीफुल टू डिस्क्राइब इन वर्ड, यानी कि कोई भी चीज इतना ब्यूटीफुल हो या इतना महान हो कि उसको हम लोग शब्द में डिस्क्राइब नहीं कर पाए, यानी कि डिस्क्राइब करना मुश्किल हो जाए, उस सेंस में है। यानी कि आप समझ सकते हैं, कोई भी चीज इतना ग्रेट या इतना ब्यूटीफुल है कि उसके बारे में बोला नहीं जा सकता है, यानी उसके बारे में वर्णन नहीं किया जा सकता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनएफेबल। यानी ये वर्ड जो है पॉजिटिव सेंस का है, कोई चीज बहुत अच्छा है इसीलिए उसका हम लोग वर्णन नहीं कर सकते हैं, तो अवर्णनीय। लेकिन आप इसको नेगेटिव सेंस में मत देख लीजिएगा कि जो इसके बारे में नहीं बोला जाए, वो नहीं है। इसका मतलब है कि कोई चीज बहुत अच्छा है उसका हम लोग वर्णन नहीं कर सकते हैं, इतना अच्छा है, यानी उसके लिए कोई वर्ड नहीं है, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इनडिस्क्राइबल, यानी इतना अच्छा है कि उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, और इसका एंटोनिम फिर क्या हो जाएगा, डिस्क्राइबल। नेक्स्ट वर्ड है इनफेमस, इनफेमस ये नेगेटिव वर्ड है, यानी कि इससे आपको नेगेटिव चीज पता चलेगा कि कोई चीज गलत है, जैसे इन मतलब नॉट, फेम मतलब स्पीक, यानी वेल नोन फॉर बीइंग बैड और इविल, यानी कुछ खराब के लिए या बैड के लिए जो प्रसिद्ध है, यानी उसका नाम जो है किसी खराब चीज के लिए प्रसिद्ध सिंपली नहीं बोल सकते, क्योंकि प्रसिद्ध एक पॉजिटिव वर्ड है। वेल नोन फॉर बीइंग बैड यानी खराब चीजों के लिए कोई चीज जाना जाता है या कोई व्यक्ति हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनफेमस यानी कुख्यात। सिनोनिम्स हो जाएगा नोट्रियस, ये वर्ड भी ध्यान रखिएगा, इनफेमस का सिनोनिम्स नोट्रियस, डिस्ग्रेसफुल तो बहुत लोगों को मालूम होगा। नेक्स्ट वर्ड है नेफारसियस, नेक्स्ट वर्ड है नेफारियस, और ये वर्ड थोड़ा सा अलग है, फेम या हैव रूट वर्ड से नहीं है, ये आप देख लीजिए, जैसे एन ई ये नॉट का रूट वर्ड है, और एफ ए आर फार मतलब है डिवाइन लॉ, सिंपली आप कानून समझ सकते हैं इसको, यानी कि जो चीज कानून के अकॉर्डिंग नहीं है, लॉ के अकॉर्डिंग जो चीज नहीं है, जिसको लॉ गलत मानता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नेफारियस, और सिंपली ये अपराधी के लिए आता है, जैसे कोई अपराधी कोई क्राइम करके भाग दिया है, यानी भगोड़ा आप बोल सकते हैं, तो उसके लिए वर्ड आता है नेफारियस, यानी आप इसको हिंदी में अपराधी या भगोड़ा अपराधी के लिए ये वर्ड यूज होता है, यानी क्रिमिनल, इमोरल, यानी इसका सिनोनिम्स अगर कर दे तो हीनियस, शेमफुल, ये हो गया नेफारियस का सिनोनिम्स, और इसी का अपोजिट अगर करना हो तो यानी जेंटल, यानी सब व्यक्ति के लिए वर्ड आ जाएगा जेंटल। टाइम आज जो है, चूंकि टाइम के वजह से मैं यहाँ पे आज आप लोगों को जो वर्ड है वह टाइप करके नहीं बता पाया हूँ, और यहाँ पे मैं इस फोटो बुक से लेके आप सबके बीच ये वर्ड डिस्कस किया हूँ। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय।